इस वर्ष खाद्य तेलों का आयात पिछले 6 वर्षों के निचले स्तर पर रह सकता है। कोरोना संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते लगातार दूसरे वर्ष इसमें कमी देखी जा रही है। भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है और उसके द्वारा कम खरीद किए जाने से मलेशिया के पाम तेल और अमेरिका के सोया और सूरजमुखी तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को समाप्त हुए मार्केटिंग वर्ष में इनकी खपत 2.25 करोड़ टन से गिरकर 2.1 करोड़ टन रह गई, जबकि कोरोना आने से पहले देश में इनकी खपत लगातार बढ़ रही थी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा है कि कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के चलते मौजूदा मार्केटिंग वर्ष में मांग में सुधार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान मार्केटिंग वर्ष में भारत का खाद्य तेल आयात गिरकर 1.31 करोड़ टन रह सकता है, जो पिछले वर्ष 1.32 करोड़ टन था। एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बीवी मेहता ने कहा कि भारत एक बहुत ही संवेदनशील बाजार है और मौजूदा बढ़ी हुई कीमतों के चलते मांग में और कमी आने की संभावना है। भारत की 2/3 जरूरत आयात से पूरी होती है। पाम तेल का आयात इंडोनेशिया और मलेशिया से होता है। सोया और सूरजमुखी तेल अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन और रशिया से मंगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।